इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात सुनने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल अल रहमान डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका भी खाता खुल गया है। आप सिर्फ इतना चेक कर लें अपनी जिंदगी में आपने कौन से खाते खोले हुए हैं, अच्छाई का, भलाई का, तरबियत का, नसीहत का, खैरखाही का, दीन का, नेकी का, अपनी सूरत और सीरत को बनाने और संवारने का। आपकी मजलस, आपकी महफल, आपके लोग, आपके इर्द गिर्द, आपके कुर्बो जवार, आपकी कंपनी कैसे लोगों की है, आप वहां क्या करते हैं। अगर तो वो है कि जिनमें खैर और भलाई है, तो यकीन कीजिए तुम्हारे जाने के बाद ये जितनी नेकियां करेंगे तुम्हारा रब इनके आसार लिखेगा, ये निशानियां लिखेगा, कदम कदम लिखा जाएगा, अच्छाई भलाई लिखी जाएगी, खैर और उम्दगी लिखी जाएगी। और अगर आपने अपने पीछे ऐसे लोग छोड़े हैं, अपनी मजलस में ऐसे लोग बिठाए हैं जिनको आपने जुल्म सिखाया, जुर्म सिखाया, फराड सिखाया, गलत कारियां सिखाई, रिश्वत मिलावट सिखाई, दो नंबरी दस नंबरी सिखाई, आवारगी और यावागोई सिखाई, अल्लाह कहते हैं हम इनके इन आसार को भी लिखेंगे। वहां तेरा खाता खुल गया है, तेरे खाते खुल गए, ऐसे आसार मौजूद हैं। इंसानों के दराजात बुलंद किए जाएंगे, कहा जाएगा मौला हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं था, कहा तुम्हारे बच्चों ने, तुम्हारे पीछे वालों ने जो है कुछ ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से आज तुम्हारा स्टैंडर्ड बदल दिया गया है और तुम्हारा ग्रेड बदल दिया गया है, तुम्हारे रुतबे बुलंद कर दिए गए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान चारपाई पे है या कब्र में है, गुर्ज पड़ेंगे, मारा जाएगा, फरिश्ते तशद्दुद करेंगे, पूछा जाएगा जुर्म क्या है, कहा जो तुम्हारे पीछे है ना, रो पीट रहे हैं, बैन कर रहे हैं, खिलाफ शरीयत जुमले बोल रहे हैं, ये सफे मातम बपा करके बैठे हैं। अगर तो आपने उनको समझाया होगा, रोका होगा, तो इंशाल्लाह मुआमला उनके साथ है, आपके साथ नहीं। अगर आपने कहा था कि मेरे बाद ये करना कि दुनिया को पता चल जाए, मेरा दरबार बनाना, मिजार बनाना, लोग आए और फिर पूजा पाठ हो, सजदे हों, वो सीन हो, वो ढोल बजे, वो कब्रस्तान और कब्रों का एहतराम जो है पामाल कर दिया जाए, वहां पे भंग घोटी जाए, दौर चले, सिगरेट नोशी हो, हुक्का नोशी हो, और आखिरत का डर भुला दिया जाए, वह आसारहुम लिखा जा रहा है, तैयार रहिए। सूरह यासीन पढ़ते बहुत हो, कुरान का दिल भी कहते हो। तीसरा माना, आप किन की पैरवी करते हुए आए, आपके पीछे पैरोकार कौन से बने, बनाए हैं ना ग्रोह, बनाई हैं जमातें, बनाए हैं ग्रुप्स, मेरे बाद कम चक दे आजे। अल्लाह कहते हैं ये जो पैरवियां करने वाले ग्रोह, जमातें, अफराद करके गए हो ना, ये भी हम लिखेंगे। वकुल्ला शै इन आह सही ना हू फी इमाम मुबीन, गलती में मत रहना, हमारे पास जो लौहे महफूज इमाम मुबीन, ये किताब मुबीन है ना, बल हुवा कुरान मजीद फी लौहे महफूज, ये लौहे महफूज में तुम्हारा पल पल महफूज कर लिया गया है, तुम्हारे लफ्ज, तुम्हारे जुमले, तुम्हारे बोल, उनके नताएज, उनके पीछे पैरोकार। एक गाना गा के गया है, इजी बड़ा है, म्यूजिक बड़ी अच्छी है, टून कमाल की है, उसके पीछे उसका जिंदगी भर का डांस और नाचना बड़ा इजी है मेरे और आपके लिए। फरमाया वा आसारहुम, इसके पीछे जितने सुनने वाले, जितने चलाने वाले, जितने एडिट करने वाले, जितने उनको रिन्यू करके पेश करने वाले, ये भी और तुम्हारे गरो और तुम्हारे जत्थे भी, वो बिदात, वो खराफात, वो रब के दीन के मद्द मुकाबिल, वो दीन हनीफ सिराते मुस्तकीम के मुकाबले में आके मुनाजिर और बहुत कुछ लड़ने झगड़ने वाले, हम ये भी लिखेंगे इमाम मुबीन में, ये बातें मौजूद हैं।